गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज शिल्पी मैम, योर कंप्यूटर टीचर. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज विंडोज 7. विंडोज 7, यू ऑल नो दैट दिस इज विंडोज 7, योर चैप्टर नेम इज विंडोज 7. यू ऑल नो दैट विंडोज 7 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. बिफोर स्टार्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर. ठीक, दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, आपको फील कर सकते हैं, मतलब उसको हम छू सकते हैं. और सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक, तो अब ये सॉफ्टवेयर के भी, ये देखिए आपकी बुक में है, सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं. एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है. जैसे आपके पास नोट पैड है, एमएस पेंट है, तो पेंट में जाके आप ड्राइंग ही तो करते हो, वहां पे आप टाइपिंग तो नहीं कर सकते. तो पेंट आपका किस लिए बनाया गया है, ड्राइंग के लिए बनाया गया है. नोट पैड है, नोट पैड में जाके आप क्या करते हो, आप जाके वहां पे टाइपिंग करते हो. तो नोट पैड किसके लिए बनाया गया है, टाइपिंग के लिए बनाया गया है. तो जो जो सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. उसके बाद आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैं तुमको लास्ट 2 ईयर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, कंट्रोल एंड ऑपरेट द हार्डवेयर. हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और ऑपरेट करता है. ठीक, और ये जो विंडोज 7 है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पेंट और नोट पैड है, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, एग्जाम्पल है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या काम करता है, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है. ब्रिज मींस पुल का काम करता है. मींस जो भी इंस्ट्रक्शन हमें सॉफ्टवेयर देता है, हाँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें सॉफ्टवेयर देता है, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमको कैसे काम करना है, हाँ, वो हमारा कौन देखता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. सोचो, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेस्ट यूज करते हुए कैसे काम करना है, वो हमारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग, लुक एट द बुक, वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर. ये लाइन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप इस चैप्टर का नाम ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे है. आप विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसी के बारे में ये पढ़ रहे हो. और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और यूनिक्स. ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विंडोज डेस्कटॉप. ये सब आप लोग क्लास सेकंड से पढ़ रहे हो कि जब भी वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन, जब वी सी द फर्स्ट स्क्रीन, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और हमारे
हम जो फर्स्ट स्क्रीन देखते हैं या उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जो पहला मॉनिटर हमारा जो मॉनिटर स्क्रीन जो हमारे विंडो पे जो पहली स्क्रीन आती है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के पीछे जो हमारा पिक्चर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। और डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइकन्स। ठीक, चलिए मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखाती हूँ। इट इज माई डेस्कटॉप। आपका विंडो 7 है, मेरा विंडो 10 है। ठीक, ये है मेरा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के पीछे जो भी पिक्चर लगी हुई है उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। जो मैंने वो स्लाइड शो करके रखा है इसलिए वो चेंज हो रहा है। और इसमें छोटे छोटे जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं ऑल दीज पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, योर नेक्स्ट टॉपिक इज आई थिंक आपका नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इसको मैं दिखाने से तो नहीं होगा, चलो मैं इसको दिखाती हूँ। डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपका चेंज करने के लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह पे, मींस जहाँ पे आपकी स्पेस हो, जहाँ पे आपका कोई आइकन ना हो, जहाँ पे आपका कोई फोल्डर ना हो, आप उस खाली जगह पे अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे। जैसे देखिए मेरी माउस पॉइंटर इस खाली जगह पे मैं घुमा रही हूँ। ठीक, और आप अपने माउस का राइट क्लिक बटन दबाएंगे, लेफ्ट नहीं, राइट राइट क्लिक बटन दबाएंगे और वहां से आप लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज में जाएंगे। लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज में जाएंगे और पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे। जैसे आप पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग वाला एक स्क्रीन खुल जाएगा, सेटिंग का स्क्रीन खुल जाएगा, पर्सनलाइज सेटिंग का। उसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा। तो आपका आज मैं 3 चीज आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ, एक बैकग्राउंड, दूसरा कलर, तीसरा है स्क्रीन सेवर। तो आपका जो विंडो 7 है उसमें आपको यहीं पे बैकग्राउंड, यहीं पे कलर और यहीं बैकग्राउंड कलर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है विंडो 7 में भी यहाँ पे दिखेगा, साथ में आपका स्क्रीन सेवर भी आपको यहाँ पे दिखेगा। बट मेरा ये थोड़ा एडवांस वर्जन है इसलिए मेरा स्क्रीन सेवर ये जो लॉक स्क्रीन लिखा हुआ है इसके अंदर है। ठीक, तो अभी ये बैकग्राउंड है तो मैं बैकग्राउंड पे देखिए मेरे में ये वाला बैकग्राउंड अभी सेट है। ठीक, अगर मैं चाहूँ, मैं सोच रही हूँ ये वाला ये स्लाइड शो है, अगर मुझे इसको पिक्चर्स में करना है तो देखिए मेरे पास कितने सारे अभी पिक्चर्स आ गए। ठीक, मैंने इस पे किया तो देखिए मेरा बैकग्राउंड ये हो गया। अब हम लोग वापस जाके देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हुआ कि नहीं। देखिए चेंज हो गया ना हमारा बैकग्राउंड, पहले कुछ और आ रहा था अभी कुछ और आ रहा है। तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम स्क्रीन के खाली जगह पे, ये खाली जगह है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, करने पे हम लास्ट ऑप्शन जाएंगे, लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज का है उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स वाला स्क्रीन खुलता है। वहाँ हम बैकग्राउंड पे जाके हम कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसको स्लाइड शो कर देती हूँ। अब सेकेंड आता है आपका कलर। आप यहाँ जाके जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम करके रखा है, डिफॉल्ट विंडो मोड मैंने डार्क करके रखा है और चूज डिफॉल्ट ऐप कलर मैंने लाइट करके रखा है। ठीक, अब मैं इसको जाके अगर कलर में जाके इसको लाइट करती हूँ तो क्या होता है, कुछ ऐसा आ जाता है। अब मैं जाके इसको कस्टम कर देती हूँ तो हमारा कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक, अब अगर इसको मैं डार्क करती हूँ तो हमारा कुछ ऐसा आ जाता है।
पूरा आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। अब मैं जाके इसको कस्टम करती हूँ, इसको लाइट करती हूँ और इसको भी मैं लाइट कर देती हूँ, तो हमारा फिर से ये आ गया। क्लियर है? ओके, अब बैकग्राउंड हो गया, अब कलर हो गया, अब स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है बेटा? जब हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते हम थोड़े टायर्ड हो गए हैं या हमने कंप्यूटर को ऐसे छोड़ दिया है, अब मुझे कुछ देर कंप्यूटर में टच नहीं कर रही, तो स्क्रीन सेवर में कुछ टाइमिंग होती है, तो हम वो टाइमिंग सेट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, हाँ आपका 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, ऐसे करके टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग सेट कर देते हैं। उसमें ये रहता है, अगर मैं कंप्यूटर को टच नहीं कर रही हूँ, मैं कोई काम नहीं हो रहा है, उसका कोई कीबोर्ड भी नहीं छू रही हूँ, तो आप स्क्रीन सेवर में कुछ पिक्चर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं और हमारी स्क्रीन पे मूव करने लगते हैं। फिर जैसे मैं माउस छू दूंगी या तो माउस टच कर दूंगी या तो कोई भी कीबोर्ड का की प्रेस कर दूंगी, तो वो पिक्चर्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे और उसकी जगह जिस भी स्क्रीन पे या जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे थे वो हमारा दिख जाएगा। तो ये स्क्रीन सेवर मेरे तो एडवांस वर्जन है, इसलिए मेरा यहाँ पे है स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन के अंदर है, बट आपका विंडो 7 में आपको डायरेक्ट वो दिख जाएगा। ये स्क्रीन सेवर सेटिंग ये आपका दिखेगा, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है वेट 1 में, अभी जैसे मैंने ब्लैंक करके रखा है। अब मैं इसको सोचिए मैं कर देती हूँ 3D टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक 3D टेक्स्ट कर देती हूँ और मैं वेट मिनट्स में नहीं करती। हाँ ये देखिए प्रीव्यू, मतलब मैं अगर कुछ देर अप्लाई, अगर मुझे प्रीव्यू देखना है तो हम कैसे देखेंगे, ये हम अगर कुछ देर काम नहीं करते तो हमारा ये वाला हमको, हमने ऐसे 3D सेटिंग करके रखा है तो ये हमको दिखाएगा। इसी तरह हम कोई फोटो करके रखेंगे, कुछ बबल्स वाले पिक्चर्स करके, जो भी मैं पिक्चर सेट करूंगी, अगर मैं स्क्रीन कीबोर्ड या माउस या कीबोर्ड माउस या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप का जो की पैड है वो आप टच नहीं करते हैं, तो आपने अगर स्क्रीन सेवर सेट करके रखा है तो इस तरह वो मूव करता रहेगा, और जैसे ही आप, जैसे मैं अभी माउस लैपटॉप का जो माउस का वो है वो टच कर रही हूँ, और जैसे आप टच करेंगे आप जैसे जिस पुराने स्क्रीन पे रहे हैं उसी पुराने स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। ठीक, अब सपोज मुझे किसी स्क्रीन सेवर की जरूरत नहीं है, या मेरा पहले ब्लैंक था एकदम खाली आ जाए, तो मैं ये ब्लैंक कर देती हूँ। हाँ, और यहाँ पे मैं 1 मिनट है 1 मिनट कर देती हूँ, फिर अप्लाई करती हूँ और ये ओके कर देती हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड में वापस चलते हैं। अब आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या, मैंने क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट्स हमने एक्सप्लेन किए, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता था। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल सपोज MS पेंट है, हाँ MS वर्ड है, और उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा है, जैसे विंडोज 7। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, मतलब हार्डवेयर के पुल का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये देखता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी के बेसिस पे हमारा मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी के, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को लेते हुए कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेस्ट यूज करके उस काम को पूरा किया जाए।
फिर हम लोगों ने ये डेस्कटॉप पढ़ा, और डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है मैंने बताया, आइकन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स होती हैं वो कैसे चेंज की जाती हैं, कलर कैसे चेंज किया जाता है, और स्क्रीन सेटिंग, स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स कैसे चेंज की जाती है, अगर हम कुछ देर तक कंप्यूटर में काम ना करें तो हम सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे गैजेट्स, विंडो एक्सेसरीज में जैसे कैलकुलेटर, स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर, हाँ, और ये विंडोज गेम्स, ये सारी चीज मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।